गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C9, जो आपका पेपर होगा अधिगम के लिए आकलन, यूनिट 3 से, बीएड सेकेंड ईयर का होगा, लेक्चर संख्या 10 है। तो आज हम लोग देख रहे हैं C9। C9 के अंतर्गत जो आपकी टॉपिक होगी पथ विश्लेषण प्रक्रिया, आइटम एनालाइज प्रोड्यूस, यानी कि कहता है पद विश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, पद विश्लेषण की प्रक्रिया को जानने से पहले हम जानते हैं कि पद विश्लेषण क्या है। देखिए, पद विश्लेषण यानी पदों को अलग अलग, यानी कि किसी भी प्रकार के पद को अलग अलग कर उसके बारे में, किसी भी प्रकार के पद को अलग अलग करके उसके बारे में गहन चर्चा करना पद विश्लेषण कहलाता है। यानी कि कोई भी पद होता है तो उसको अलग अलग कर जब हम लोग पढ़ते हैं, यानी टुकड़े बाई टुकड़ा करके पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमें पूर्ण रूप से उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त होगी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। और जब पूर्ण रूप से हमें जानकारियाँ प्राप्त होगी तो हमें क्या होगा, उसे उसके द्वारा हमें उसमें पूर्ण रूप से सारांश हम उसको आसानी से लिख सकेंगे या उसके बारे में जान सकेंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत साथ ही साथ इसके द्वारा पद विश्लेषण के द्वारा व्यक्ति के अंदर छुपे हुए जो भी अशुद्धियाँ होती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, सामने आ जाती है। यानी कि इसके द्वारा हम ये देख लेते हैं कि किसके अंदर कौन से अशुद्धियाँ छुप हुई है। और पद विश्लेषण की जो प्रक्रिया है यह मुख्य रूप से कविता दोहा कहानी या साहित्य में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको पूर्ण रूप से क्या कर सके, हटा सके देखने के लिए। साथ ही साथ इसको हटाने में कौन हमारी सहायता करती है, अशुद्धियों को दूर करने में, व्याकरण। तो चलिए हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण। ये तो मेरा छोटा सा आपका एग्जाम्पल था, अब देखते हैं पद विश्लेषण के बारे में। कहता है कि मापन के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण की प्रभावशीलता उसकी स्वयं की उपयोगिता एवं उसमें निहित पदों की विशेषता पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी अगर मापन होता है और कोई भी अगर मापन करती है तो उसमें जो परीक्षण जो होती है क्या होती है, हम जानते हैं कि परीक्षण हमेशा प्रभावशीलता होती है। तो प्रभावशीलता जब होगी तो प्रभावशीलता में उसके अंदर जो भी विशेषता छिपी हुई है वो पूर्ण रूप से क्या करती है, उभर कर बाहर आती है। परीक्षण का फलनांक उसी वैधता और विश्वसनीयता उसके अंगभूत पदों के आपसी सहसंबंध के फलस्वरूप प्राप्त होता है। और देखिए, कहता है कि जो परीक्षण होता है यानी कि जो परीक्षा होती है उसका जो फलांक यानी कि जो अंक की जो प्राप्ति होती है उसी वैधता और विश्वसनीयता उसके अंगभूत पदों में आपसी संबंध के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। इसलिए परीक्षण को प्रभावशाली यानी कि परीक्षा को अच्छे ढंग से प्रभावशाली बनाने के लिए परीक्षण निर्माता को उसमें होने वाले समस्त पदों का पृथक करना चाहिए। समस्त पदों का पृथक मतलब अलग अलग, यानी कि क्रम बाई क्रम उसको छाट छाट कर पृथक, यानी पृथक का अर्थ क्या, अलग अलग करना चाहिए। इसी कार्य को पद विश्लेषण कहा जाता है। जैसे हमने क्या बताया, पद विश्लेषण यानी पदों को अलग अलग करके उसके बारे में गहन चर्चा करना, इसके द्वारा पदों के अंदर छिपी हुई, किसके द्वारा, पद विश्लेषण के द्वारा, यानी कि पदों के अंदर छिपी हुई मूल सारांश को हम समझ सकते हैं तथा साथ ही साथ इसके द्वारा व्यक्तियों में छिपी हुई शुद्धियों को भी पहचाना जा सकता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, काव्य कविता दोहों में किया जाता है। समय समय पर गद और व्याकरण के तथ्यों को उजागर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण की परिभाषा, यानी कि इसका डिफिनेशन क्या है। हमारे कुछ विद्वानों ने पद विश्लेषण को निम्न प्रकार से परिभाषित किए हैं, जैसे चैपलिन क्या कहते हैं। चैपलिन के अनुसार व्यापक रूप से पद विश्लेषण का तात्पर्य किसी पद विशिष्टता या कठिनता, अस्पष्टता, स्तर, समय आदि के निर्धारण से है। ये चैपलिन के अनुसार होता है। दूसरा होता है रेवर के अनुसार। रेवर क्या कहते हैं, संकुचित अर्थ में पद विश्लेषण का तात्पर्य उस मूल्यांकन से यानी वैल्यूएशन से जिसमें यह पता चलता है कि प्रत्येक पद कितनी प्रभावशीलता के साथ परीक्षण के संपूर्ण वैधता में योगदान देती है। यानी कि यहाँ कह रहा है कि जो भी पद है, ये कहते हैं रेवर कि जो आपका क्या कहता है पद विश्लेषण में, कहते हैं कि इसके द्वारा मूल्यांकन से यह पता चलता है कि यानी कोई भी पद होता है,
यानी कोई भी कहानी हो जाता है या कोई कविता हो जाता है, वो कितनी प्रभावशील है, यानी कि व्यक्ति उससे कितना कुछ सीख रहे हैं और दूसरों को सीखने में कितनी मदद कर रहे हैं, या परीक्षण में वो अपना कितना योगदान दे रहा है, वो ये बताने चाहते हैं। तो इस परिभाषा से हमें यह स्पष्ट होता है कि पद विश्लेषण के द्वारा हमें बहुत कुछ की जानकारियाँ प्राप्त होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या देखते हैं, पद विश्लेषण की जो परिभाषा बताए उससे हमें क्या ज्ञात होता है। तो देखिए क्या ज्ञात होता है, परीक्षण के प्रत्येक पद का पद विश्लेषण सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो भी परीक्षण होता है उसका जो भी पद विश्लेषण होता है सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर किया जाता है, जिससे प्रत्येक पद की विभेदन क्षमता यानी विभेद करने की जो क्षमता और कठिनाई स्तर का ज्ञान क्या होता है, हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, यानी कि उपयुक्त परिभाषा से हमें यही जानकारियाँ प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः पद विश्लेषण विधि से हमारा तात्पर्य उस विधि से है, यानी कि कौन सी विधि, उस विधि से जिसके अंतर्गत परीक्षण में निहित समस्त पदों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी कि कोई भी जो विषय हो गया उसमें निहित यानी पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से समस्त पदों का अध्ययन किया जाता है, तथा यह देखा जाता है कि समस्त पदों में से प्रत्येक अमुख एकांश को किसी सम्मिलित समूह के कितने तथा कितने प्रतिशत परीक्षार्थियों ने हल करने का प्रयास किया है, यानी कि साथ पहले तो ये देखा जाता है कि क्या किया जाता है, पद के अंतर्गत जितने भी पद है उसको क्या किया जाता है, अपने अंदर निहित कर लिया जाता है, यानी कि एकदम उसको क्या किया जाता है, पार्ट बाई पार्ट उसको तोड़कर पढ़ना ताकि पूर्ण रूप से जानकारी हो, और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो छात्र छात्राएँ जो हैं वो कितने प्रतिशत, यानी कि जो परीक्षार्थी हो गए वो कितने प्रतिशत इसको हल करने का प्रयास करते हैं। फिर हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस विधि के अंतर्गत, कौन सा विधि, पद विश्लेषण प्रक्रिया के विधि के अंतर्गत, ठीक है, इस विधि के अंतर्गत पद की उपयुक्त का विश्लेषण किया जाता है, पद के उपयोग यानी कि कौन सा उसमें उपयोगिता है उसका विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि किसी के भी परीक्षण का गुण एवं उपयोगिता पदों पर निर्भर करता है, यानी कि कोई भी परीक्षा होती है जिसका विश्लेषण किया जाता है वो पद के ऊपर होता है, पद मतलब आपको मैं बता चुका हूँ कहानी कविता जो भी आपका होता है उस पर निर्भर करता है, जिससे कि उस परीक्षण की वैधता पूर्ण होती है, यानी कि बिना विश्लेषण किए हुए हमारी परीक्षण कभी पूर्ण नहीं हो सकती, यानी परीक्षण की वैधता कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो ये था हमारा पद विश्लेषण प्रक्रिया। अब हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं। तो देखिए हम सभी ये जानते हैं कि पद विश्लेषण प्रक्रिया की कुछ निम्न विशेषताएं होती है जो इस प्रकार से है, देखते हैं कौन कौन सी है। पद विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक पद के संदर्भ में वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, पहला हो जाता है वास्तविक स्थिति, पहला इसका जो विशेषता क्या है, यानी कि इसके द्वारा कोई भी पद हो उसकी वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्या कहता है, पद विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा परीक्षण संबंधी मुख्य कठिनाई यानी परीक्षा से संबंधित जो भी कठिनाई होती है, पदों की उपयुक्तता एवं निर्दोषों की अस्पष्टता की आसानी से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा यहाँ पर कहता है कि पद विश्लेषण प्रक्रिया द्वारा परीक्षण संबंधी यानी परीक्षा से संबंधित जो भी कठिनाई होती है चाहे जो भी अस्पष्टता होती है, जब हम पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो सफल हो जाता है, यानी कि आसान हो जाता है, ठीक है, तो प्राप्त होता है, जिन्हें इस प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है, यानी कि जो भी हमारी दिक्कतें हैं जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। देखिए हम जानते हैं कि किसी प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या होता है, पढ़ाई जरूरी होता है, किसी भी विषय में अगर अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, जानकारी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई की जरूरत होती है, तो पढ़ाई किस ढंग से होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, उस पर निर्भर होना चाहिए, जो भी विषय को हम पढ़ रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से गहन विद्या होनी चाहिए, अगर गहन विद्या हम करते हैं तो क्या होगी उससे, उससे यही होगा कि हमें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, अगर समस्या उत्पन्न होती भी है तो हम उस समस्या का समाधान स्वयं से कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ चुका हूँ। तो वही यहाँ पर सेकेंड पॉइंट इसकी विशेषता बता रही है। तीसरी विशेषता क्या बता रही है, इसके माध्यम से परीक्षार्थियों की क्षमता के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, यानी कि देखिए इसकी तीसरी विशेषता बताती है कि किसके माध्यम से, पद विश्लेषण की प्रक्रिया के, यानी
पद विश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो परीक्षार्थी होते ना उसकी क्षमता यानी कि वो कितना कुछ कर सकता है स्वयं से या पढ़कर कितनी सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है, ठीक है, तो उसकी क्षमता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो जाता है। चौथा क्या कहता है, पद विश्लेषण से शिक्षण विधि के चयन में सफलता प्राप्त होती है, यानी कि इसी के द्वारा शिक्षण विधि के चयन में यानी कि शिक्षा यानी कि शिक्षण की जो विधि होती है यानी कि कक्षा लेने की जो विधि होती है उसको किस प्रकार से चयनित किया जाए, किस प्रकार से उसे आगे की ओर ले जाया जाए, कौन सा मेथड का यूज किया जाए जिससे क्या हो छात्र आसानी से समझ सके, तो वही कहता है कि पद विश्लेषण से शिक्षण विधि के चयन में सफलता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्या कहता है, यह एक चक्रीय प्रविधि है। चक्रीय प्रविधि क्या हो गया, यानी कि सभी तरह से सोच समझ कर खुद से अपने आप को समर्पित कर करना, ये कहता है यह एक चक्रीय प्रविधि है। नेक्स्ट क्या कहता है, पद विश्लेषण द्वारा मापन हेतु उपयुक्त परीक्षण की प्राप्ति संभव होती है, यानी कि कह रहा है कि पद विश्लेषण द्वारा मापन हेतु जो भी हम मापन होता है उसका जो उपयुक्त परीक्षण की जो प्राप्ति होती है वो संभव होता है। आगे हम लोग देखते हैं स्टार्ट, अब हम लोग देखेंगे पद विश्लेषण की आवश्यकता, क्या क्या आवश्यकता, अभी इसके पहले हम लोगों ने विशेषता देखा, अब हम लोग देखेंगे आवश्यकता। देखिए क्या आवश्यकता है, पहली आवश्यकता कहता है परीक्षण से कमजोर तथा अध्यवर्ती पदों को हटाना, यानी कि कमजोर अध्यवर्ती पद को हटाना पहली आवश्यकता हो जाती है। दूसरा कहता है परीक्षण के चयनित पद संपूर्ण परीक्षण का प्रतिनिधित्व करे, यानी कि संपूर्ण यानी परीक्षण जो परीक्षा होती है उसके जो चयन की जो प्रक्रिया होती है संपूर्ण परीक्षण का प्रतिनिधित्व करे, दूसरा आपकी आवश्यकता हो जाती है। तीसरा कहता है परीक्षण के पदों का कठिनाई स्तर ज्ञात करना, यानी कि परीक्षा जो हो रही है उसका कठिनाई उसके अंतर्गत कौन कौन सी कठिनाई स्तर आ रही है उसको ज्ञात करना। चौथा कहता है परीक्षण के पदों की विभेदकारिता क्षमता का ज्ञात करना, यानी कि विभेदन की जो क्षमता है उसको ज्ञात करना है। नेक्स्ट कहता है परीक्षण का समानांतर प्रारूप तैयार करने के आधार पर प्रदान करना, यानी कि यहाँ पर कहता है कि परीक्षण का समानांतर प्रारूप तैयार करने के आधार में प्रदान करना, यानी कि उसकी प्रारूपता को कैसे तैयार किया जाए। नेक्स्ट कहता है पद विश्लेषण प्राय शक्ति परीक्षणों में किया जाता है, पद विश्लेषण का उपयोग प्राय शक्ति परीक्षणों में किया जाता है न कि गति परीक्षण में, यानी कि शक्ति परीक्षण यानी कि इसको नॉर्मल वे से लेकर जाते हैं ना कि ज़्यादा हाई पावर आगे आगे जल्दी जल्दी बोलकर गति में नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है पद विश्लेषण की प्रक्रिया एक प्रकार से परीक्षण पदों की सांख्यिकी विशेषताओं का अध्ययन मात्र है, यानी कि जो पद विश्लेषण की जो ये प्रक्रिया है यह एक प्रकार की पदों की सांख्यिकी विशेषताओं के अध्ययन का एकमात्र है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने देखा यूनिट 3 C9 के अंतर्गत हम लोगों ने देखा आज का हमारा जो टॉपिक था पद विश्लेषण की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा पद विश्लेषण का अर्थ, पद विश्लेषण की परिभाषा, पद विश्लेषण का उद्देश्य और लास्ट में हम लोगों ने देखा आवश्यकता। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।